हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एंड जो आज की वीडियो है, ये वीडियो आपने टाइटल में देख करके समझ में आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी मास्टरबेशन के ऊपर। एंड आप लोगों ने काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्यार दिया, काफ़ी आपने शेयर किया। एंड मैंने उस पर एम रखा था कि एक दिन में 100 व्यूज़ का, लेकिन आपने एक दिन में 180 व्यूज़ तक आपने उसको दे दिया, इतना शेयर किया आपने। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, हम जिम कैसे करेंगे, ये वो, तो बहुत सारे मिथ्स और काफ़ी सारे चीज़ें हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। सो आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो आज मैं बात करूँगा नाइट फॉल के ऊपर, जिसे हम हिंदी में स्वप्न दोष एंड बहुत सारे नाम है, वेट ड्रीम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि नाइट फॉल होता क्यों है, क्या है ये। तो नाइट फॉल एक्चुअली जो नाइट फॉल होती है, नाइट फॉल होता है जो हम कोई भी चीज़ों को, मान के रखो आपने फ़ोन पे कुछ पॉन्स देख लिया, कुछ मूवी देख ली, आप देखकर सोते हो, सोने के बाद आपके सपनों में वो चीज़ घूमती रहती है। एंड उससे आप सोचते हो कि मैं सेक्स कर रहा हूँ, काफ़ी सारे चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एंड उसके वजह से आपका जो वीर्य है, आपका जो स्पर्म है वो निकल जाता है, वो बहने लगता है अपने आप। तो उसे कहते हैं हम नाइट फॉल। एंड नाइट फॉल का सिंपल सा परिभाषा यही है कि नाइट फॉल उसे कहते हैं जो आप स्वप्न दोष, जो आप जो स्लीप ऑर्गेज्म, जो आप मतलब सोते वक्त जो आप ऑर्गेज्म को करते हो, एंड उस चीज़ से आपका जो स्पर्म निकलता है उसे हम नाइट फॉल बोलते हैं। नाइट फॉल होने का रीज़न क्या है? नाइट फॉल होने का रीज़न वही है कि आप जो देख रहे हो, सबसे पहला चीज़ है कि आप क्या देखते हो। आप मान के रखो कि आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, आपने एक महीने तक आपने बॉडी को बहुत कंट्रोल किया, आपने मास्टरबेशन नहीं किया। तो इसका और एक रीज़न है कि जब आपके बॉडी में स्पर्म काउंट हाई हो जाता है, जब आपका बॉडी में स्पर्म काउंट हाई होने के बाद वो बाहर निकलना चाहती है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने प्रण बना लिया है कि मैं अब मास्टरबेट नहीं करूँगा, एंड आप स्पर्म आपका नहीं निकल रहा है, तो वो जगह खोजेगी। तो वो कहीं ना कहीं नाइट फॉल से, अगर आप उस चीज़ को, अगर आप ऑन ना भी देखते हो, गलत मूवी ना भी देखते हो, तो भी वो चीज़ निकल जाती है, वो नाइट फॉल हो जाता है। वो एक बहुत ही नॉर्मल सा, नेचुरल सा चीज़ है। आपको नहीं डरना है इस चीज़ के ऊपर कि नाइट फॉल हो रहा है, या मैंने इतने दिन से कंट्रोल किया और अचानक से नाइट फॉल हो गया, एंड दिस एंड दैट। सो आपको इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है। सो आपको डिप्रेस नहीं होना इस चीज़ के ऊपर। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, बस मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड कुछ ये बताऊंगा ताकि आप कोई चीज़ समझ आए एंड आप डिप्रेस ना रहो। कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे जो लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मैंने मास्टरबेशन लगभग 5-6 महीने से कट डाउन करके रखा है, तो कहीं कभी ना कभी मेरे साथ ये नाइट फॉल वाली प्रॉब्लम हो जाती है एंड मैं फिर डिप्रेस हो जाता हूँ। लेकिन ये डिप्रेस होने वाली चीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं बॉडी में कोई चीज़ जब एक्सेस आपके बॉडी में जब लोड हो रही है एंड वो निकल नहीं पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू वो निकलती है, तो वही चीज़ है। तो अब बात करता हूँ इसको रोकने के उपाय, इसको हम रोकें कैसे। अब सबसे पहली चीज़ कि किसी का, मान के रखो महीने में, हफ्ते में एक बार दो बार नाइट फॉल हो गया, वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब किसी किसी का क्या होता है, हर हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर 2 बार 4 बार 5 बार करके नाइट फॉल हो रहा है, वो अपने पेनिस को इजैकुलेट नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नाइट फॉल हो जा रहा है। बस वो ऐसे सपने देख रहा है, ऐसी चीज़ों को वो सोच रहा है, एंड जिस कारण उसका नाइट फॉल हो रहा है। तो सबसे बेस्ट इसका उपाय है कि आप गलत चीज़ें ना देखो। सबसे पहली चीज़, अगर आप गलत चीज़ें देखते हो तो आप इसे नहीं रोक सकते ब्रदर। नाइट फॉल एक चीज़ ही वही है। अगर आप अपने पूरे, आपका जो पूरा दिन का शेड्यूल है, उसमें कहीं ना कहीं पॉर्न है, कुछ ऐसी मूवीज़ है, इसको देखकर आप उत्तेजित होते हो, आपका मतलब माइंड थोड़ा सा वो गलत चीज़ों पे जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कितना भी मास्टरबेट नहीं करते हो, लेकिन आपका नाइट फॉल वो होगा, वो नेचुरल है ब्रो। सो वही चीज़, आपको अगर इसको रोकना है तो सिंपल सा फंडा है, नॉर्मल एक अश्वगंधा पाउडर आता है, आप उसको लो। वो कहीं ना कहीं जो आपकी जो ब्रेन को एक्टिव अच्छा रखती है, आपको फोकस अच्छा रखती है, तो कहीं ना कहीं ये स्वप्न दोष वाले चीज़ को थोड़ा सा डाउन करती है। मतलब उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा अश्वगंधा पाउडर का, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ। नाइट फॉल अगर हम बात करें तो लोग
मास्टरबेशन से भी ज़्यादा इसे ख़राब बोलते हैं। बोलते हैं कि डॉक्टर को दिखाओ अगर आपका नाइट फॉल हो रहा है। तो ब्रो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि नाइट फॉल बहुत बड़ी चीज़ है। नाइट फॉल तब बड़ी चीज़ तब है जब आपकी हफ्ते पे 5 बार 6 बार 7 बार हो रही है, तब आपको डॉक्टर को सजेस्ट मैं भी करूँगा कि आप डॉक्टर को दिखाओ, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न्स है उस चक्कर पे आपको ऐसा हो रहा है। तो अगर वही चीज़ अगर आपका डेली मान के रखो नाइट फॉल हो रहा है, आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हो और आपका डेली नाइट फॉल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको जो स्पर्म काउंट है वो ड्रॉप होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो स्पर्म और पतली होती है वो एकदम वाटर की जैसी एकदम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करेगी आपकी जो फ्यूचर की जो लाइफ के लिए। सो इसीलिए नॉर्मल सी चीज़ है, आप उतना मत देखो। मैं बोलूँगा कि ये पॉर्न, ये मूवीज़ कुछ है, बहुत सारी मूवीज़ है अभी, हम कुछ भी अगर आप वेब सीरीज ही देख लो तो सब में कुछ ना कुछ हम ऐसी पॉर्न्स वाली चीज़ें मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल चीज़ें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उत्तेजित हो जाता है। तो रीज़न क्या है, आपने इतने आप मान रहे हो कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं मास्टरबेशन नहीं करूँगा, बट आपने उस चीज़ को देखा एंड कहीं ना कहीं आपने नाइटफॉल कर दिया। तो वो एक नॉर्मल सा चीज़ है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मत देखो, इन सब चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि जितना आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे उतना आप फोकस कर पाओगे, अपने वर्कआउट हो, अपने जॉब हो, अपने कोई भी चीज़ आप उतना अच्छा फोकस कर पाओगे। देखो आप नहीं कर रहे हो और तब भी अगर ये चीज़ हो रही है, आप पॉर्न नहीं देख रहे हो, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एक्सेस हो रही है, एक्सेस वो लोड हो रही है, एंड लोड होने के बाद उसको भी जगह चाहिए। देखो बॉडी में कोई भी चीज़, हमारी बॉडी क्या कर रहा है, हर चीज़ को क्रिएट कर रहा है, हर चीज़ को बना रहा है, स्पर्म बना रहा है, ब्लड बना रहा है, हर चीज़ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ना स्टोर हो रही है बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक जब फ्लो जब उसका भी बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी जगह चाहिए कि एक निकलने का। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो सिंपल सा फंडा है कि इतना आपको डिप्रेस नहीं रहना है। अगर हो गया चलो नाइट फॉल, हफ्ते पे एक दो बार हो रहा है, नॉर्मल सी चीज़ है, होता है, आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कि इसको समझने में, एंड ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको इतना इसको बना के रखा गया है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे मिथ्स हैं। अगर मैं मिथ्स की बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि पैर दर्द करना स्टार्ट कर देता है, हड्डियाँ भी इससे कमज़ोर होती है, तो काफ़ी सेम मास्टरबेशन वाली जो मिथ्स थी वही है। लेकिन वही चीज़ है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है प्योर, तो आप लोग कुछ भी बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, वैसी कोई साइड इफ़ेक्ट इसकी नहीं है कि आपकी आँखें कमज़ोर हो जाएगी, दिस एंड दैट एंड सो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले चीज़, नाइट फॉल का कारण यही है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जिस कारण से आपका दिमाग उत्तेजित होता है और आपका नाइट फॉल होता है। तो मैं सिंपल सी चीज़, सिंपल सी भाषा में बोलूँगा कि आप मत देखो उन सब चीज़ों को, और आपका और बेटर हो जाएगा लाइफ, आप फोकस रह पाओगे। सोचो आप अपनी डाइट कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहे हो, प्रोटीन आप पूरा कर रहे हो, एंड आपने देखा कि रात को मेरा नाइट फॉल हो गया, मैंने कुछ किया भी नहीं, मास्टरबेशन हुआ भी नहीं। बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो भाई डिप्रेस नहीं होना है, बहुत ही नेचुरल सा चीज़ है, बॉडी को प्रोसेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है होने दो, उससे आपका वर्कआउट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कोई मसल लॉस नहीं होने वाला है। जहाँ कहीं ना कहीं जो चीज़ एक्सेस हो रही है वो कहीं ना कहीं बॉडी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ती है, लेकिन जो चीज़ एक्सेस नहीं है, जो नॉर्मल है, हफ्ते पे एक दो बार हो जा रही है, उससे आपका बॉडी में कुछ भी असर नहीं होने वाला, कुछ भी असर नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको बस अपना चीज़ के लिए फोकस रहना है, अपने जॉब कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, आपको बस फोकस रहना है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, नॉर्मल सी छोटी सी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजना, ताकि अगर वो डिप्रेस्ड है इन सब चीज़ों से, मास्टरबेशन या फिर नाइट फॉल, तो वो मूव ऑन कर पाए। मुझे क्या करना है, अपने जो भाईचारे के साथ मैं आपको जितना अच्छे से समझा पाऊँ वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ताकि आप डिप्रेस ना रहो। ताकि देखो इन ये सब चीज़ ऐसी है ना कि हमारी जो ऐसी भी जो लाइफ है ना नॉर्मल सी, वो पूरी डिप्रेस लाइफ है, आदमी कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, एंड ऊपर से ये जो चीज़ है मास्टरबेशन, नाइट फॉल, कोई आदमी कुछ चीज़ पर फोकस कर रहा है और ये चीज़ हो रहा है, तो आदमी और डिप्रेस और परेशान हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नॉर्मल सी चीज़ जो बता पाऊँ, जो फैक्ट है, जो मिथ्स क्लियर कर पाऊँ। सो बस वही सी छोटी सी चीज़ है, मेरा छोटा सा कोशिश है कि बस मैं एक वे पे रहूँ एंड आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा पाऊँ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।